डॉक्टर्स वगैरह को वहाँ पे भी दिखाया था, मैंने यहाँ पे भी दिखाया, पर डॉक्टर्स लोगों को वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, बट वो मुझे अफेक्ट कर रही थी वो चीज़ें, और उसकी वजह से मैं काफ़ी मेंटली परेशान रहती थी। ये मैनिपुलेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ द रियल थिंग एंड दिस इज़ द रियलिटी जिसके कारण ये सब कुछ चल रहा है। अंधविश्वास से ज़्यादा भगवान पे विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने कर्मों पे विश्वास रखो। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिव्या चौधरी। कहाँ से? भोपाल से। बागेश्वर धाम से आप कब से जुड़े हो और क्या? मैं बागेश्वर धाम से 3 साल पहले से जुड़ी हूँ, गुरु जी से दीक्षा ली थी। हाँ। तब से मैं पहली बार अभी आई हूँ, मैंने मेरी बेटी को US से यहाँ बुलाया है। अच्छा, US में रहते हैं? हाँ, मैं US से आई हूँ, सिर्फ यहाँ पे धाम के लिए आई हूँ। और जितना रिकवरी मेरे को अपने अंदर लग रहा है यहाँ पे दर्शन करके, उतना मेरे को कहीं महसूस नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत शक्तियों का बहुत अनुभव हुआ, मतलब यहाँ पे बहुत शक्तियाँ हैं, रियल शक्तियाँ हैं। और अभी मुझे काफ़ी, पहले मैं बहुत अनहेल्दी और अनकंफर्टेबल फील करती थी, बट अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं रिकवर हूँ अपनी हेल्थ इशूज़ से, मुझे ऐसा, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। 10 साल से बीमार थी। अच्छा, 10 साल से बीमार। हाँ, मतलब यूएस में आप स्टडी करते हैं या फिर? हाँ, स्टडी प्लस जॉब दोनों है। किस सेक्टर में? फाइनेंस सेक्टर में। हाँ, तो स्टडी आपने वहीं करी? हाँ, स्टडी अभी चल रही है प्लस जॉब। हाँ, जैसे US में आप थे तो वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया था? वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह को वहाँ पे भी दिखाया था, मैंने यहाँ पे भी दिखाया, पर डॉक्टर्स लोगों को वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, बट वो मुझे अफेक्ट कर रही थी वो चीज़ें, और उसकी वजह से मैं काफ़ी मेंटली परेशान रहती थी। और डॉक्टर को दिखाओ तो बोलते थे कि नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, पर ठीक नहीं था। बट यहाँ पे मैं आई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑटोमेटिक रिकवर कर रही हूँ अपने। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए? अभी हम लोग परसों ही आए हैं, अभी दर्शन करा है, और दर्शन में ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मतलब अब मैं ठीक होंगी और ठीक हो जाऊँगी। एज अ यूथ, जब से ये इनका इराज शुरू हुआ है, डिजिटली इनके प्रोग्राम आने शुरू हुए हैं, तो आप, मतलब आप कैसे देखते हो ये राइज को, या फिर कोई मैनिपुलेशन या फिर कुछ और, कैसे क्या? नहीं, ये मैनिपुलेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ द रियल थिंग एंड दिस इज़ द रियलिटी जिसके कारण ये सब कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और आई थिंक यूथ को भी इनसे, यहाँ से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, क्योंकि अपना देश पीछे जा रहा है वेस्टर्न कल्चर के कारण। लेकिन जितना अपन अपना धर्म से जुड़ेंगे, तो यूथ आज से अभी जिस स्टेज पे है उससे 100 साल वाली प्रोग्रेस कर सकता है, अगर अपने धर्म से, अपने रिलीजन से, अपने रियल चीज़ों से, रूट से जुड़ा रहे। तो जैसे आप USA में रहते थे, तो अब फर्स्ट टाइम आपने कब देखा था इनको? वैसे तो मम्मी देखती थी और हम लोग सारी चीज़ें पहले से जानते थे, बट हम लोग यहाँ पे पहली बार दर्शन करने आए थे। तो विश्वास आपको नहीं था? नहीं था विश्वास इन लोगों को? नहीं था। मैं 3 साल पहले जुड़ी थी, इनकी तबीयत तब भी ख़राब थी, मैं बोली चलो, लेकिन ना मेरे साथ कोई नहीं लगा, मैं अकेली बागे, मतलब उनके वो अटेंड कर रही, लेकिन लोगों को नहीं था। और फिर जब ज़्यादा चीज़ें हुई तो फिर लगा कि नहीं, अब तो आखिरी इनके इनका सहारा है। तो आपको जैसे मम्मा बोलती थी यहाँ के बारे में, तो बिलीव, जाहिर सी बात है, जो पढ़ता लिखता है या फिर थोड़ा सा, मतलब ये उसको क्लू रहता है, तो वो ये सोचता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या इफ एंड बट क्या था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे मन में। हाँ। क्योंकि मैं पहले ही बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ था मेरा विश्वास, पर आने का मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं बाहर थी। फिर हम लोग यहाँ आए तो फिर मम्मी ने कहा कि चलना है करके, तो फिर मन का चलना है तो चलना है। अब आपको यहाँ पे आके बेटर लग रहा है? हाँ, बेटर लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं रिकवर कर रही हूँ और रिकवर कर लूँगी अभी। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब हर साल एक बार आया करूँगी यहाँ पे। हाँ, जब भी मौका मिलेगा मैं इंडिया आऊँगी तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी। तो जैसे जो यूथ है उसको आप क्या कहेंगे, जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा है और आप एक, मतलब, डेवलप कंट्री में रहते हैं, तो मतलब क्या सोचते, क्या करना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति बची रहे? आप जैसे बाहर रहते हैं, तो कैसे आप लोग सारे इंडिया को सहेज कर यहाँ की संस्कृति को रखते हैं कैसे? हाँ, मतलब अभी जैसे मॉडर्न कल्चर बढ़ रहा है, एक्चुअली यूथ अपने डायरेक्शन से भटक गया है, मतलब उसे, उनमें मोरल वैल्यूज़ ख़त्म होते जा रही हैं।
लेकिन अगर आप अपने धर्म से जुड़ोगे आप अपने, तो आप प्रोग्रेस भी करोगे, आपकी मोरल वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी। आपको कभी मतलब यहाँ पे शको शुबा नहीं हुई कि यार कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें जो चल रहा है या दिख रहा है? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो साक्षात हनुमान जी हैं, मतलब हनुमान जी हैं, और फिर उनसे आगे तो कुछ है ही नहीं है। कोई कभी मिरेकल हुआ आपके साथ, जैसे यहाँ पे क्लेम करा जाता है कि इतने सारे मिरेकल होते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा मिरेकल हुआ है, चमत्कार टाइप? मिरेकल तो अभी कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ यही सबसे बड़ा मिरेकल है, और अभी ऐसा जैसा बड़ा मिरेकल तो नहीं हुआ, बट हाँ वो अपने ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर है मिरेकल। अगर आपको लगता है कि होगा मिरेकल तो ज़रूर होगा। जैसे आप USA में रहते हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, खाना अलग है, ये रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं कि अनियन गार्लिक बंद करना होता है, तो वो आपने रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना शुरू कर दिया या फिर अब? नहीं, रिस्ट्रिक्शन फॉलो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है, बट क्योंकि मैं जो खाती हूँ सब खाऊँगी, बट जब मैं यहाँ आऊँगी तो फिर कुछ नहीं खाऊँगी। जब तक मैं यहाँ पर आऊँगी तब तक कुछ नहीं खाऊँगी। बागेश्वर धाम के जो मिलियंस ऑफ मिलियन फॉलोवर्स हैं, उनको आप लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं एज अ यूथ डिवोटी के? अंधविश्वास से ज़्यादा भगवान पे विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने कर्मों पे विश्वास रखो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोल रही, बच्चे कहीं भी रहें पर अपनी धर्म अपनी संस्कृति से जुड़े रहना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में कहीं भी भटक लो, लौट के हमको अपने सनातन धर्म में ही आना है। इसलिए मैं बच्चों को, जितने भी यूथ हैं, उनको सब यही बोलना चाहती कि अपने धर्म से कितना भी पढ़ लो, कहीं भी जाओ, लेकिन अपने धर्म से उनको जुड़े रहना है। तो आपने तो ये बंद कर दिया होगा गार्लिक और ये मैं पहले बंद कर दी थी, फिर बेटे के पास USA गई तो वहाँ तो मतलब पॉसिबिली नहीं है ये सब चीज़। हाँ तो फिर मैंने, अभी तो मेरा चालू है, लेकिन हाँ कोशिश ये है कि अब उससे तो वो भी जानते कि जब तक हम आ रहे हैं दर्शन करने तब तक अपने आप को उनके नियमों के हिसाब से रखो जैसे वो बताते हैं। अगर उनने चाहा कि नहीं ये है तो वो भी होगा ना, बच्चे थोड़े से इस खान पान से थोड़े से हटके कर होने लगे तो फिर अपन को क्या है, अपन भी उसी लाइन पे चलेंगे। मैम लेकिन जैसे जिन लोगों को ये लगता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जो धर्म है वो विश्वास से चलता है, साइंस एक कहते हैं प्रैक्टिकल से चलती है, तो फिर वो विश्वास ब्लाइंड फेथ बन जाता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो क्रिटिसाइज करके ऐसा कहते हैं? नहीं, आप जितना आप फॉलो कर सकते हो, आप में जितनी कैपेबिलिटी है फॉलो करने की, आप उतना करो। आप वैसे बता, वैसे तो उसके हिसाब से बहुत सारे रूल्स हैं, बट मैंने अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल सेट करके रखे हुए हैं। मतलब कि जब तक मैं यहाँ आऊँगी तब तक तो एटलीस्ट मैं नहीं खाऊँगी अनियन गार्लिक, और जितना अपने आप को वेजिटेरियन की तरफ रखूँगी उतना अच्छा है, और मैंने अपने खुद के प्रिंसिपल सेट करके रखे हैं। और आई थिंक सबको यही करना है कि आप जितना कर सकते हो उतने आप अपने प्रिंसिपल बना लो, एंड उसको पूजा पाठ तो आप करते ही होंगे पहले से? पूजा पाठ तो हम पहले से ही करते हैं, तो हनुमान चालीसा वगैरह। हाँ, हनुमान चालीसा वगैरह तो मैं डेली करती हूँ, और उससे मुझे लगता है मेरे में मंत्र हाँ मैं वही पूछ रहा था, मंत्र चिकित्सा से जैसे बोलते हैं कि फ़ायदा होता है, तो आपने महसूस करा है कि उससे फ़ायदा होता है? हाँ फ़ायदा तो होता है, मंत्र चिकित्सा से फ़ायदा होता है, और थैंक यू फॉर हनुमान चालीसा से भी मुझे बहुत फ़ायदा लगता है, मतलब मुझे अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस लगता है हनुमान चालीसा से। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे अलग कुछ कर अपने अंदर, मेरे को बहुत पोटेंशियल लगता है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल आ गया है, और बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। ये चाहे USA में रहे, इंडिया में रहे, एक प्रोटेक्ट कवर टाइप का है हनुमान चालीसा। प्रोटेक्शन है, हाँ मतलब देखो आपके जो है आपके जो लाइफ है वो तो ज़्यादा चेंज नहीं होगी, बट आपको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा हनुमान चालीसा करने से कि नहीं मैं हर चीज़ कॉन्कर कर सकती हूँ, हर चीज़ अचीव कर सकती हूँ। तो वही है ना, कर्मा से ही होगा, लाइफ तो कर्मा से ही चलती है, बट आप कॉन्फिडेंस अपने आप को प्रॉब्लम से फेस करने, चैलेंजेस को फेस करने की जो पोटेंशियल आपको हनुमान चालीसा से मिलती है, तो आप हर लाइफ के हर ऑब्स्टेकल्स ओवरकम कर सकते हो। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हम बहुत पूजा करते हैं हमारा कुछ विकास नहीं हो रहा, तो वही ना कि कहने का मतलब पूरा भगवान पे भी डिपेंड नहीं रहना है ना? नहीं बिल्कुल ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि भगवान पे डिपेंड होने से तो दुनिया नहीं चलती है ना। कर्म जरूरी है, कर्म जरूरी है, हमको अपने कर्म करेंगे तब भगवान वो सहारा देगा, है ना। अपने कर्म और अपने इंटेंशंस अच्छे रखेंगे तो ही भगवान अपने साथ देंगे, वरना तो भगवान भी साथ नहीं देंगे। ओके मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।